पर्यावरण संरक्षण के लिए जयनगर के युवाओं ने किया पौधरोपण कार्यक्रम। जी हां, मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल के सतनाम संत गुरु कबीर कुटी आश्रम के प्रांगण में मॉर्निंग वॉक ग्रुप के युवाओं ने मॉर्निंग वॉक के दौरान 22वें सप्ताह में भी पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया गया है। आज जिस तरह से तापमान में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसी के अनुरूप पर्यावरण को बचाने हेतु पेड़ लगाओ अभियान के तहत इसकी शुरुआत की गई। और पेड़ लगाओ अभियान के तहत समाज के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक रविवार को जयनगर के विभिन्न जगहों पर पेड़ लगाया जाएगा। इस अवसर पर आम, लीची, जामुन इत्यादि विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस अवसर पर मॉर्निंग वॉक के सभी सदस्यों ने संयुक्त रूप से कहा कि पेड़ पौधे जलवायु को संतुलित रखते हैं, वृक्ष लगाने से पर्यावरण दूषित होने से बचेंगे। मनुष्य द्वारा निकाली गई जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष स्वयं शोषित कर जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए वृक्षों की रक्षा करना, पौधों को लगाना महत्वपूर्ण कार्य है। इस अवसर पर पप्पू कुमार राय, संतोष कुमार शर्मा, अरुण झुंझुनवाला, नवल किशोर, प्रशांत झा, काजल कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मधुबनी से राकेश कुमार यादव की रिपोर्ट। के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? सबसे पहले मॉर्निंग वॉक ग्रुप की तरफ से सभी को सुप्रभात। और हम लोग ये जो पौधारोपण कार्यक्रम है, लगभग 22 सप्ताह से जयनगर के आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण करते हैं। और हम लोग का यही उद्देश्य है कि पौधा लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करना और लोगों को जागरूक करना कि पेड़ पौधा हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे हम लोग को विभिन्न प्रकार का लाभ होता है। और आज हम लोग ने कबीर कुटी आश्रम में पेड़ पौधा लगाए हैं। ये जो कबीर कुटी आश्रम है, ये जयनगर में ही आता है? हाँ, जयनगर में ही है, मधुबनी जिला के जयनगर शहर में ही। अच्छा, आप अपना परिचय? पप्पू पूर्वे, मॉर्निंग वॉक ग्रुप जयनगर। धन्यवाद। अच्छा, आप अपना परिचय दे पहले। मैं संतोष कुमार।